आओ बच्चों आज सुनाएं ऊ की कहानी। ऊंचा है ऊंट और ऊंची है पूंछ। ऊ से ऊन नरम नरम, कपड़े बनते गरम गरम। ऊ से ऊंट का है ऊंचा मकान, ऊ से ऊंट की है ऊंची शान। सो ऊ ये क्या है? ऊ और ऊ से होता है ऊंट, ऊ से होती है ऊन। तो आज हम देखते हैं ऊ कैसे लिखते हैं। चलो आधा सर्कल, एक और आधा सर्कल, इसकी टांग खींच के लेके जाएंगे हम ऊपर और इसके पीछे लगा देंगे हमें पूंछ, जैसे ऊंट की पूंछ। और ये बन गया हमारा बड़ा ऊ, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। सो ये थी ऊ की कहानी। अब आपको अपनी एक्टिविटी नोटबुक में बड़ा ऊ लिखना है, ठीक है? सो आपको बड़ा ऊ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊट पिलाओ और बड़ा ऊ से ऊट। तो ठीक है, प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी। छोटा ऊ से उल्लू और बड़ा ऊ से ऊन। बाय बाय। तो बड़ा उसे ऊन हमें हमारी एक्टिविटी नोटबुक में लिखना है। बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊद बिलाऊ, बड़ा उसे ऊंट और ये है बड़ा ऊ। तो देखें हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या बताया मैम ने आपको? आपको एक आधा सर्कल, हाफ सर्कल, एक और हाफ सर्कल, उसके पीछे जैसे पूंछ बनाते हैं ना ऐसे टर्न और एक स्लीपिंग लाइन और बन गया हमारा बड़ा ऊ। आपको ये पूरा पेज करना है। उसके बाद आपको इस पेज पे अपने आप बिना ड्रेसिंग के करना है। वो कैसे करेंगे हम? आपके पास यहाँ डॉट है 1 2 3, तो पहले वाले डॉट से दूसरे डॉट के पास ऐसे हाफ सर्कल बनाएंगे आप और फिर इस डॉट से लेके जाके आप दूसरा हाफ सर्कल बनाएंगे और फिर हम ऐसे पूंछ जैसे हमने पहले बनाई टर्न करेंगे, स्लीपिंग लाइन तो आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है? तो आप इन दोनों में आप ये करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और जब आपका ये हो जाए तो हमें ये करना है, दिए गए चित्रों को उचित अक्षर से मिलाइए। तो छोटा ऊ से कौन कौन से नाम होते हैं? छोटा ऊ से उपहार, छोटा ऊ से उस्त्रा, छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उजाला और क्या बताया था? छोटा ऊ से उपवन, गार्डन। तो आपको लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। ये क्या है? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ से होता है ऊद बिलाव, ऊंट, ऊन, राइट? तो आपको इन्हें बड़ा ऊ से मिलाना है। तो पहले हम अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको यहाँ अक्षर मिलान करना है, ठीक है? के बाद आती है हमारी एक और एक्टिविटी। आप बिल्कुल जब सीख चुके हैं, छोटा ऊ बनाना भी सीख चुके हैं, बड़ा ऊ भी सीख चुके हैं, तो अब आपको इन चित्रों को पहचानना है। उल्लू, उजाला, ऊद बिलाव, ऊन, उपहार, ऊंट, उस्त्रा, उपवन। और ये किससे शुरू होते हैं? या तो छोटा ऊ से या फिर बड़ा ऊ से। छोटा ऊ ऐसे लिखना है हमें, है ना? तो आप सही अक्षर छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना, अपने आप बनाएंगे, ठीक है? बाय बाय। अब हम देख लेते हैं कि आपको नोटबुक में कैसे लिखना है ना, वो भी आपके लिए सीखना जरूरी है। तो जो बुक की एक्टिविटी होगी ना पिक्चर मिलान वाली, उससे पहले आपको ये भी करना जरूरी है। तो आपको जो अगर लाइन मिली हुई है आपकी एक्टिविटी नोटबुक में, तब तो आपने ऐसे बनाना ही है। लेकिन हमारी नोटबुक में तो हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है ना, तो हम क्या करेंगे? पहले आधा गोला, फिर एक और आधा गोला लेकर थोड़ा सा आगे जाना है, फिर हमें ऐसे टर्न करके उसकी पूंछ बनानी है और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके
इसकी छत बनानी है। और ये बन गया हमारा बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊन, और छोटा ऊ से था उल्लू, है ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।